How is Amit is looking? Here you go. अगले 15 दिन वी गोना बी स्पेंडिंग टाइम विद हिम, इन्हीं के साथ हम टेक्निकली रहेंगे, बट बिग क्वेश्चन इज क्या अमित आगरे इन ही क्वालिफाई फॉर ओलंपिया येट अगेन? कजाकिस्तान प्रो होने वाला है बस कुछ ही दिनों में, तो इनकी पूरी प्रेप खाना तैयारी सब कुछ देखने वाले हैं, बट फर्स्ट लेट्स गो इनसाइड। कैसे हो शिवम? ऑन फ्रॉम गेम ऑन। ओके, यहाँ पे रुके हुए हैं हमारे अमित भाई और कृष्णा एंड अमन शिवम हियर। कहाँ है सारे? किचन में कैप्चर कर ले लाइव ने। अमित इज प्रिपेयरिंग हिज मील। वी डोंट लीव यू। अभी तो हर जगह कैमरा लेके आ गए हो भाई मेरे पास, बट अमित दिस इज द वे इट इज। सो ये क्या चल रहा है अभी? फॉर रेडी तीसरा मील है अभी, preparing for my post workout meal so that फिर जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, बात करते हैं मील के बारे में। सो दिस इज मील वन। ये फर्स्ट मील, ये प्री वर्कआउट मील है। क्या क्या इसमें? राइस और राइस 200 तिलापिया एंड फ्यू वेजीज, सेम एंड पोस्ट वर्कआउट सेम ऑल्सो। सो अभी काफ कम हो गया, वी आर ऑन 300 ग्राम ऑफ राइस पर डे। पहले मॉर्निंग में भी काफ था, वो भी बंद हो गया। देख रहे हो आप, ये चिकन है, ये राइस बन रहे हैं वहाँ पे। अमित कुक्स एवरीथिंग ऑन हिज ओन, आप देख रहे हो। दिस इज हाउ मील प्रिपरेशन में ऑल्सो हेल्प्स हिम आउट, बट वेइंग वगैरह सब कुछ चल रहा है भाई। दिस इज गेम ऑन। सुपर टायर्ड बॉडी, एकदम एकदम से फिटिंग हो गई है। हाँ काफ़ी टायर्ड, लाइक ही प्रेप में यही हुई है, दिस प्रोसेस आई गेस। इट हैपेंस एवरी प्रेप, एवरी प्रेप एंड इट्स हैपनिंग मींस वी आर ऑन ट्रैक। इफ यू आर नॉट फीलिंग, इफ यू आर फीलिंग एक्टिव इनफ आई गेस इट्स रॉन्ग। If you're feeling tired, if you're feeling like you won't be able to push yourself and you're still pushing it, that's a win for the day. So matlab if you feel like shit, you're on the right track. If you feel amazing, something is going wrong somewhere. आप कितनी इजीली कमेंट करते हो, मे बी अगर उसके ऐप जैसे होते, मे बी डिल्स थोड़े बड़े होते, बट सी व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स इज व्हाट मेक्स यू अ चैंपियन। सो अगले 15 दिन वही सवाल कि क्या अमित ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं दोबारा, एंड प्रोबेबली एवरी ईयर। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एंड आई एम वेरी श्योर इट्स गोना हैपन। स्टे ट्यून्ड। सो बॉडी बिल्डिंग ना, ये सिर्फ जिम का गेम नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आपने अच्छा खाना खा लिया। इट्स अ गेम ऑफ माइंड सेट, 90% इज माइंड सेट। आप 24 घंटे क्या कर रहे हो, यू हैव टू कम्प्लीटली अब्जॉर्ब योर सेल्फ। यही मैं देख रहा हूँ, हमें खाना भी खा रहे हैं सामने, बॉडी बिल्डिंग प्रेप्स सब कुछ, बॉडी बिल्डिंग ही चल रहा है। सो पूरा टाइम बॉडी बिल्डिंग दिमाग में चलता है, राइट अमित? When you are in certain phase ना, एक जोन, एक जोन में रहते हो, उसे आप मेक श्योर क्या वो बबल में रहो, देखते रहते हो मिल के क्या बेटर हो सकता है, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, इन्होंने क्या गलती की थी, वॉट हिट डिड राइट। सो ही वॉज लास्ट ईयर ही वॉज दिस ऑल्सो ही वॉज सिक्स। किसका वीडियो देख रहे हो? कोरी मॉरिस, सिक्स इन वर्ल्ड आर्ट। सो ये है कि हर एथलीट के बारे में जितना जान लो उतना अच्छा है, नॉट इन वे लाइक टू जस्ट टू कम्पीट और समथिंग, बट वॉट हर एथलीट की स्क्रिप्ट होती है, हर एथलीट गो थ्रू फेज, आई नो वॉट इज कोर्स ऑफ वे, तो कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे कम बैक कर रहे हैं, कैसा मेंटली पुश किया। तो आपको ना एक बबल में घुसना है और वो जो बबल है इट्स ओनली अबाउट विनिंग। कृष्णा भाई भी आ गए हैं। सो ये अमित का रूम है यहाँ, दिस इज वेयर द किचन इज, और पीछे दो रूम शिवम के, एंड शिवम इज कैप्चरिंग ऑल द फुटेज। यहाँ पे मैं नहीं हूँ, जो भी रह जाता है थोड़ा बहुत ही कैप्चर्ड है। एंड कृष्णा भाई का अलग से रूम। तो कृष्णा भाई ऑल सेट? या ऑल सेट, ऑल सेट। क्या इस बारी भी अमित क्वालिफाई करेगा ओलंपिया के लिए? 100% अर्ली क्वालिफिकेशन।
या अर्ली क्वालिफिकेशन, इसीलिए हमने ये शो प्लान किया है क्योंकि वेगस की तैयारी थी, अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, तो हमें लगा कि ये शो सबसे ज्यादा पास में, बॉडी ऑलरेडी रेडी है और ज्यादा टॉर्चर करते हुए, वीजा इशू भी नहीं होगा यहाँ, वीजा इशू भी नहीं है, ऑन अराइवल है, तो यहाँ से क्वालिफिकेशन, फिर एक पूरा लंबा टाइम मिलेगा, एक साल का टाइम मिलेगा वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए, हाँ, भी हर चीज के लिए, यस यस यस, और आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो जाएगी, यस यस यस, ये चलती रहती है हमेशा, ये चलती। तो अमित अमित ना यूजुअली लेवल उतारता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि लेवल उतर जाता है यहाँ पे, दैट काइंड ऑफ ही कीप्स अ ट्रैक कि जितने के लेवल उतरे हैं उतना मैंने पानी पिया है, तो कितना हो गया आजकल, और थर्ड लीटर चल रहा है अब तक का, तो अभी वी जस्ट लाइक ऑलमोस्ट 2-3 बजे हैं, तो पूरे दिन में कितना पानी है, 6.5, तो भाई 6.5 लीटर्स का ट्रैक है इस टाइम, ये मतलब ये बढ़ेगा या कम होगा, ये जब भी जब हम 10 डे आउट रहेंगे तो फिर उसको 10 लीटर फिर टेपर डाउन करेंगे, 9, 8, 7, 6 ऐसे, लोग जो वही बोलते हैं कि पानी पीने से वाटर होल्ड होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है, आप जितना पानी पीते हो आपकी बॉडी उतना ड्राई होती है, और जितना परफ्यूम लगाते हो उतना स्मेल रहता है। ऐसे कुछ वी ऑल सेट फॉर द जिम, कितने तो ये आलमंड्स खा रहे हैं हमारे अमित भाई, कितने आलमंड्स, 10 के बाद बस, मतलब ये इल गिव यू एनर्जी फैट्स, बादाम का क्या सीन, बादाम का वही सीन है, तो बाकी कॉम्प्लेक्स फैट का सीन है, इट जस्ट द ये ड्राई है, कॉम्प्लेक्स फैट है, तो थोड़ा सा एनर्जी में हेल्प करता है क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी काफी ड्रेन होती है, तो जस्ट टू लाइक पुश एक मेंटली भी और एक बॉडी वाइज भी, लेट्स गो लेट्स गो हिट द जिम नाउ। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. सप्लीमेंटेशन बहुत मैटर करता है, लोगों को लगता है सप्लीमेंटेशन फॉर बॉडी बिल्डिंग फॉर द मसल्स ओनली, बट इफ यू आर इन अ डे टू डे लाइफ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन राइट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर वो राइट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, राइट प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम ग्लैड वी हैव अ टीएनबी बिकॉज लाइक आई हैव सीन मी वी आर इन अ वेयरहाउस, आई हैव सीन ऑल द ब्रांड्स इंक्लूडिंग टीएनसी कि ऑथराइजेशन एवरीथिंग एक्सप्लेन एवरी प्लान एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सप्लीमेंटेशन टिल कस्टमर। इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 8 ईयर कंप्लीट हो गए और दिस इज आवर 9th ईयर, और हमारा जो विजन मतलब हमारा जो स्टार्ट करने का जो रीजन था वो ये था कि जेन्युइन सप्लीमेंट सोर्स करके, क्योंकि हमें एक शौक के तौर पे हम लोग एक्सरसाइज करते थे भाई की तरह, बॉडी बिल्डिंग तो हमारे बस की है, तो वो हमें पहले ही पता लग चुका था, तो हमने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे, सप्लीमेंट लोगों को खिलाए जेन्युइन। After a long drive, we've reached this gym, Athlete Gym Dwarka, जो बहुत ही amazing होने वाला है एक्सपीरियंस, बट अमित बहुत थक गया है गाड़ी में आते आते, ही इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड, एंड उन्होंने मुझे बोला तरुण भाई कुछ करना पड़ेगा, वी नीड अ क्लोज जिम विच इज़ क्लोज बाय, बिकॉज मैं ट्रैवल में बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज इनकी डाइट भी अफेक्ट हो गई, बिकॉज कार्ब्स एकदम ऑलमोस्ट कम होते जा रहे हैं, सो यू गेट क्रैंकी, बट वी सी हाउ इट गोज, बट अब ऊपर चलते हैं आई। की हालत बहुत टाइट है बिकॉज काम मेरे ख्याल से बिल्कुल एलिमिनेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड ही इज फीलिंग ड्रेन, आप देख रहे हो ही इज जस्ट पुशिंग हिमसेल्फ नाउ, तो ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला बहुत ग्रूसम, लेट्स गेट दिस एक्शन स्टार्टेड। Go. Make it 7 fast. Go. 7. Come on. 6. Last 5. Last 4. Last 3. Last 2. One more. Hold it here. Hold. 10. 9. 8. 7.
सिक्स फाइव फोर थ्री टू रिलैक्स हो माइंड के साथ तो ऑलवेज ही डू लाइक दैट. वन मोर Hold it. Okay. और ये बहुत अलग लेवल की ट्रेनिंग है. ड्यू टू आर्ट्स में अमित कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अमित को कि क्या हो रहा है. पार्सल मारेगा 10 से 15 क्लोज करके ग्रिप चेंज हैवी 15 15 पहले फ्लाई करेगा हाँ और फिर ये हाँ. तो कृष्णा भाई हर स्टेप में ही इज ट्राइंग टू हेल्प हमें. आज देखो आप इवन वो उसके लिए वेट भी रैक कर रहे हैं, उनके लिए पुल कर रहे हैं. बस थ्री आज से बस कुछ भी रह गए हैं. फाइव सिक्स सेवन क्या सोच चल रही है कृष्णा भाई? आज थोड़े वरीड लग रहे हो मुझे थोड़े. कुछ सोच नहीं रहा हूँ बस, थोड़ा वो टायर्ड है, थोड़ा पुश करना पड़ रहा है. कुछ चेंज करा आपने कुछ रूटीन वगैरह कुछ मतलब डाइट में कुछ? हाँ थोड़ा सा काप को थोड़ा और लो किया है. अच्छा वो इम्पैक्ट एकदम से नजर आ गया है. हाँ क्रैंकी भी हो गया हमें तो. हाँ वो हो जाता है. ह्यूमन बॉडी ह्यूमन माइंड इट्स फाइन आफ्टर ऑल. जब जीत होती है तो सारे सैक्रीफाइस वो मूवमेंट पे याद आते हैं. जर्नी का ही मजा है. देख रहे हो आप वेट तक उनको उठा के दे रहे हो कि इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है. यस ये बेनिफिट है फाइबर दिखते हैं. तो थोड़े से डाइट में चेंजेस हुए हैं ना, हमें तो फीलिंग वेरी लो. तो इवन पानी तक कृष्णा भाई लेके आ रहे हैं उनके लिए. अगर आप सोचे वो क्या खा रहे हैं, वो च्यूइंग गम खा रहे हैं. राइट दिस इज हाउ इट इज. आप देख रहे हो कोच का कॉन्ट्रीब्यूशन, हर मोमेंट पे ही इज रेडी टू टेक ऑन की भाई आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो थ्रू एनी ऑफ द अदर पेन. बस ही जस्ट वॉन्ट्स की आर ए वर्कआउट, ही जस्ट गेट थ्रू दिस वर्कआउट एंड गेट टू हिज मील. ये टारगेट है. अमित भाईजान को शूट करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, इनकी तो एनर्जी लगी रही है, हमारी भी एनर्जी लग रही है इनको शूट करने में. तो फॉर दैट आई एम यूजिंग माय रेप फ्यूल का PCAA, नॉट EAA, PCAA. कृष्णा भाई को भी पिलाते हैं हम. क्या होता है दो हुए ना PCAA का टेस्ट. ये कौन ला? दिस इज अमेजिंग. दिस इज BCAA और EAA? BCAA. टेस्ट कैसा है पहले बताओ. टेस्ट एक नंबर है. और सबसे अच्छी बात है कि शुगर नहीं है इसमें, इतना ज़्यादा मतलब मीठा नहीं लग रहा है भाई. क्योंकि मैंने जितने भी पिए हैं ना बहुत शुगरी होते हैं, ऐसा लग रहा है शुगर सिरप पी रहा हूँ. दूसरा सिर्फ भी कैसा लगा? इट्स अ लेमन जूस. लेमन जूस घर पे सिकंजी बनाते लगे. ट्राई करना, मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ. चलो हेड आउट डिस्क्रिप्शन में लिंक है. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स. सुपर.
हमारा पहले बिल में आफ्टर द कार्डियो काप था, हमने उसको हटा दिया। कितना काप, कितना परसेंट काप कम किया आपने? 100 ग्राम? नहीं नहीं, 50 ग्राम होर्स था तो वी जस्ट रिड्यूस इट। एंड सेकंड मील में 150 ग्राम राइस था तो वी लाइक 100। तो मतलब 50 ग्राम काप कम होने से बॉडी ड्राइव नहीं चाहिए। या उसके पीछे बहुत कुछ है, कार्डियो थोड़ा सा इंक्रीज किया है और कार्डियो के बाद पोजिंग प्रैक्टिस, और सेकंड मील में थोड़ा सा काप है तो सेकंड मील के पहले एक बार पोजिंग प्रैक्टिस। तो आप देख रहे हो मैनिपुलेशन, देखो 50 ग्राम काप कम हुआ, कार्डियो 15 मिनट ऊपर हो गया। हाँ, और पोजिंग प्रैक्टिस ऊपर हो। हाँ, अभी जो हम कार्डियो के बाद पोजिंग कर रहे थे उसके अभी जो सेकंड मील में जो काप है तो उसके पहले भी हम पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो काप है वो और खींचे वो बॉडी, और जो बॉडी ड्राइव हो रही है वो इसी से हो रही है। हाँ, इसी से हो रही है। मेरे बाइसेप बन गए डंबल उठाते उठाते आज। वन कम ऑन, टाइट टू, टाइट थ्री फोर, टाइट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो कोई सेट पैटर्न रहता है कि कितनी एक्सरसाइजेस करनी है कृष्णा भाई, या बॉडी देख के आप डिसाइड करते हो? नहीं, वी मोस्टली लाइक कि हम लोग ये फेस में लाइट वेट रखते हैं और मोर रेपिटेशन और दो तीन एक्सरसाइज को मर्ज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के अलावा भी है कि ज़्यादा इंजरी ना हो, क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी लोड है, तो आई डोंट वांट टू बी कि एक लास्ट मोमेंट पे आके कोई भी इंजरी हो जाए, मैं हैवी वेट लिफ्ट कराऊँ। तो इट जस्ट कि जो भी हमारे माइनस पॉइंट रहते हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड में, और लाइट वेट से रेपिटेशन खींचते हैं। नॉट बिकॉज कि ये कोई पैटर्न है कि ज़्यादा रैप ही करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग एंड लेस इंजरी। और एक्सरसाइज कितनी होती है एक एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए? मोस्टली 6 से 7 रखते हैं लास्ट फेज में, लास्ट की कपल। हाँ, 5 से 6, 6 से 7। और एक्सरसाइज आप 5 करो आप 6 करो आप 7 करो, हमारे लिए रिकवरी बहुत मैटर करती है। अगर आप 8 वर्कआउट कर रहे हो आपकी रिकवरी नहीं है, आप 2 वर्कआउट कर रहे हो रिकवरी नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। तो इट्स लाइक रिकवरी भी होनी चाहिए, वर्कआउट पैटर्न हमारा एक पूरा डिसाइडेड होता है कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली 5 से 6 एक्सरसाइज टेंटेटिव रहती है हमारी। फाइबर या डिक्लाइन मार दें और लोअर चेस्ट। तो यहाँ आके हमें से स्टार्टेड फीलिंग बेटर, सडनली मूड बदल चुका है, हमें भाई हंसने भी लग गया है, क्रैंकी भी नहीं रहा, मतलब देर इज समथिंग अबाउट लिफ्टिंग फॉर एवरी प्रो, राइट? बिकॉज ही कनेक्टेड विद द मशीन, इसकी ये हैप्पी प्लेस है। जब भी ये फ्रस्ट्रेट और वैसा होता है तो ही जस्ट वर्कआउट करके जस्ट इसका एडिनलिनस और डोपामिन अलग ही लेवल पे रिलीज होता है। नजर आ रहा है मुझे भाई, ही सो हैप्पी नाउ यार, मजा आ गया। हाउ इज द वर्कआउट, कैसे रेट, हाउ वुड यू रेट दिस वर्कआउट, कैसा रेट करें? मजा आया आज? तो आज के पैटर्न में क्या चेंज था? लॉट ऑफ रेप्स, ड्रॉप सेट्स। यूजुअली मैं एक ही वेरिएशन में एक मल्टीपल मसल पे फोकस करता हूँ, तो एक ही फोकस करता हूँ। अगर इट्स केबल फ्लाई दैट्स ऑप्टिमल फ्लाई, मैं एक्सपेक्टेड टू केबल फ्लाई पैक एंड तीन डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डंबल्स इन वन सेट। अब कैसा फील हो रहा है हमें? फील गुड, अपलिफ्ट माई मूड, आई ऑलवेज अपलिफ्ट माई मूड। जिम में आया फील लाइक ओके, आई एम सॉर्टेड, इट्स सॉर्टेड, इट फील लाइक कि ओके आज का इट्स अ विनिंग थिंग फॉर मी। इट्स लाइक एग्जीक्यूट हो गया जो प्लान रहता है ना, वो भी मुझे खाना है जो मुझे पता है कि हो जाएगा। सर, आई एम एक्चुअली बिगिनिंग टू सी द चैम्पियन माइंडसेट, इतना कम खाने पे, सुबह का रूटीन पूरा फॉलो करना, फिर यहाँ पे आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यार, लॉट ऑफ एफर्ट।
और आपका तो टारगेट ही अपना टू विन द प्रो राइट क्वालीफाई या तो उसके लिए तो एक अलग माइंडसेट है वो 24/7 हेड में यही चलता है कि वी हैव टू बी क्रैक दैट गेम और एथलीट के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब उसकी बॉडी डे टू डे चेंज होती है तो उसको अच्छा लगता है क्योंकि इतनी सालों से मेहनत आपको लगता है बॉडी कल से आज चेंज हुई है 100% तुम्हें लगता है हमें चेंज हुई है फॉरगेट अमित कृष्णा भाई से मार्क यू टेल मी फॉर मी दैट्स एंड में जो होगा वो बिकॉज ओके दिस इज अ प्रोसेस अभी जो लास्ट में होगा ओके आपके हिसाब से कल और आज में चेंज आ गया या या इट्स लाइक अभी मतलब डेली बेसिस पे चेंज होगी बट मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है व्हाट आई थिंक कि अमित की बॉडी कल ऐसी दिखनी चाहिए अगर वैसी दिख रही है तो हम मतलब सही ट्रैक पे हैं कल से रात के पूरा पैटर्न मैंने चेंज किया उस वजह से पूरा अभी इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता साइज बस ये है तो आपको लगता है अब यही साइज जाएगा स्टेज पे इससे बड़ा जाएगा sure. अभी तो डिप्लीटेड बॉडी है ऑलमोस्ट अच्छा अभी काब अप करना है इसको एंड में अभी तीन दिन हमारा काब चलेगा लास्ट में अमित की बॉडी को कितना टाइम लगता है काब पकड़ने में लगभग 2-2.5 दिन कैसे पता लगता है कि काब लोड हो गया भर जाती है बॉडी फुलनेस दिख जाती है उसको अंदर से भी फील होता है दिखती है हर 2-3 घंटे में बॉडी चेंज होती है जैसे एक बात बताओ जैसे जब आप काब अप करते हो तो उसमें ये भी डर रहता है कि वो ना हो जाए स्प्लिट ना हो जाए नहीं वो वही देखो हम लोग क्या करते हैं 3 दिन पकड़ते हैं काब लोडिंग के लिए तो पहले दिन हम खींचते हैं कभी ऐसा भी हुआ है कि स्पिल हो जाए ज़्यादा काब कभी ऐसा नहीं हुआ टच वुड वही एक एग्जीक्यूशन है जो मेरा परफेक्ट बैठता है कि पहले दिन सपोज करो मैंने काब से बॉडी को खींचा सेकेंड डे आया तो मुझे लगता है कि 70% फुल है तो मैं वही काब नहीं डालूंगा फिर उसमें थोड़ा सा लेस कर करके क्योंकि मैंने देखा कई लोग स्पिल ओवर कर देते हैं और बॉडी एकदम फुल तो लगती है लेकिन थोड़ी कंडीशनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है नहीं, नहीं, हम लोग बोला ना कि जो पहले दिन हमारा काम रहता है वो सेम काम हम सेकंड डे नहीं रखते अगर फुलनेस नहीं आ रही है ऐसा लगता है कि और डिप्लीटेड तो बढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि 70-80% फुल है तो वही वो काम को कम कर देते हैं तो यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट ये है पोस्ट वर्कआउट मील सो हमें क्या है पोस्ट वर्कआउट मील सेम 100 ग्राम राइस 200 तिलापिया एंड फ्यू वेजेस बहुत भूख लग रही थी बहुत हमें बहुत भूख लगती है हमें इतने मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लगाए होंगे ख़त्म करने में क्या आपका मतलब ये आप काब्स आप और कम करते चले जाओगे कंपटीशन तक बहुत कम मतलब बिल्कुल बंद नहीं करता हूँ ऑलमोस्ट हमारा तीन मील में काब रखते हैं क्योंकि बॉडी जितना डिप्लीट होगी उतना काब चढ़ेगा बाद में बॉडी पे तो पहले हम लोग कंडीशनिंग पे फोकस करते हैं कि एक बार कंडीशन आ जाए फिर लाइक वी प्ले देन काब तो आपको आज कैसी लगी बॉडी अमित की सुपर आई एम सुपर बेटर देन लाइक कल से काफ़ी बेटर है अगर आप लास्ट प्रेप की बात करो जो आपने ओलंपिया के लिए करी थी जिसमें अमित ने क्वालिफाई करा था उसमें और इसमें इस बारी की बॉडी में क्या फ़र्क है इस बारे में फुलर है साइज़ ज़्यादा है डेप्थ ज़्यादा है कंडीशनिंग अच्छी है ये जो कंडीशन हमारी 4-5 दिन पहले थी वो हमारी अभी 15 दिन पहले है तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक और साइज़ पहले से फ्रेम का भी साइज़ बॉडी वेट भी पहले से मच बेटर हुआ है कितना बॉडी वेट हो गया अभी क्या चल रहा है मेरे बॉडी वेट एम्पटी स्टमक 85 तो स्टेज वेट कितना जाएगा अपना 84 ख़त्म हो गया अमित डन देख सकते मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ देख रहे हो आप साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको बिकॉज इतनी भूख लगती है आपको अपने वर्कआउट के बाद ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो हम आ गए हैं अमित भाई का हो गया वर्कआउट ख़त्म बैठेंगे शांत से और यहाँ पे कृष्णा भाई और हम खा रहे हैं गोल गप्पे कैसे लगे कृष्णा भाई आपको ठीक है भूख लगी है तो अभी रेडी टू ईट यही था बाकी पानी अच्छा है अच्छा मतलब जिम से नीचे उतरे और सीधा गोलगप्पे भाई का दिल था जिनका भी दिल था कृष्णा भाई का भी अमित से तो मैं पूछना बेकार है कैसा लग रहा है हमें नो टाइम नो क्रेविंग कुछ भी नहीं कुछ भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तो हम तो खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बट उनका फोकस अलग है